चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फिजिक्स पढ़ना। और फिजिक्स में पता है कि पिछला दिन हम लोग जो क्रिकहॉफ के नियम पढ़ रहे थे वो हम लोग का पूरा तरीके से खत्म हो गया था। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं खंड टू। फिजिक्स में टोटल अभी खंड हम लोग सिक्स है, टोटल अभी खंड सिक्स में हम लोग खंड दो पढ़ रहे हैं। अब खंड दो का हम लोग का दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ये हम लोग का चैप्टर है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अब ये विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव वाले चैप्टर में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे, तो सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि ये चैप्टर के बारे में हम लोग को क्या मिलने वाला है। तो फर्स्ट एरो देकर लिखेंगे, किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तथा यह क्षेत्र उस समय तक बना रहता है जब तक धारा प्रवाहित होते रहती है कौमा इस घटना को धारा का या विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहा जाता है। फिर नेक्स्ट एरो देंगे, सेकेंड एरो, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज सन 1820 ईस्वी में ओस्टेड नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। चलिए तो हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, जैसे मान लिया कि कोई एक वायर है यानी कि कोई एक तार है और इस तार में करंट पास हो रहा है या फिर इसमें करंट हम लोग प्रवाहित कर रहे हैं। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब किसी भी वायर में जब करंट दिया जाता है ना तो एक चुंबक की भांति भी कार्य करता है। जी हाँ, जो हम लोग साउंड बॉक्स में चुंबक लगाया हुआ रहता है ना, तो चुंबक क्या करता है, किसी भी आयरन मेटल्स को, लोहे धातु के परमाणु को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो सिंपल हम लोग ये भी समझ रहे हैं, चैप्टर का नाम ही है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। सर्वप्रथम 1820 ईस्वी में ऑस्टेड नामक एक वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया, इस बात को खोजा कि जब किसी भी वायर में जब हम लोग को करंट प्रवाहित होता रहता है तो एक चुंबक की भांति कार्य करता है, यानी कि उसमें एक चुंबक का गुण पाया जाता है। कब तक, जब तक कि उस वायर में, उस तार में करंट जा रहा होता है, यानी कि जब किसी भी तार में जब तक करंट अगर पास होता रहेगा तब तक एक चुंबक की भांति कार्य करता है। परंतु इसमें चुंबकीय गुण इतना कम होता है कि हम लोग एज्यूम नहीं कर पाते हैं, हम लोगों को पता नहीं चलता है। कारण क्या है, क्योंकि इसकी वैल्यू, इसमें जो चुंबकीय गुण आता है बहुत ही कम आता है। हालांकि हम लोग को यह जानना चाहिए कि दैट इज अ मैग्नेट, कब, जब किसी भी वायर में अगर करंट को पास कराया जाता है तो एक चुंबक का कि जैसा भांति कार्य करता है। तो इस बात को किसने खोजा, सन 1820 ईस्वी में ऑस्टेड नामक वैज्ञानिक के द्वारा खोजा गया, पाया गया। तो सबसे पहले अब हम लोग ये मेन टॉपिक्स करेंगे कि ऑस्टेड ने कैसे प्रयोग किया था, आखिर ऑस्टेड ने कुछ अपना टूल्स को खोजा होगा कि आखिर
कैसे उन्होंने उनको पता चला कि अगर किसी भी वायर में करंट जब देते हैं तो एक मैग्नेट बनता है, एक चुंबक बनता है, उन्होंने इस बात को कैसे पुष्टि किया, इसको हम लोग सीखते हैं। तो एक टॉपिक से है बुक का भी कि ऑस्टेड का प्रयोग। तो अब अगला जो टॉपिक्स लिखेंगे हम लोग वो ऑस्टेड का प्रयोग ये टॉपिक है, दैट इज VVA टॉपिक। सवाल आता भी है कि ऑस्टेड के प्रयोगों को लिखे, चाहे तो एक नंबर का सवाल आ सकता है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को किसने खोजा, चार ऑप्शन भी रहेंगे, या कब खोजा गया, तो 1820 में। तो अब हम लोग जो मेन टॉपिक्स करेंगे कि ऑस्टेड का प्रयोग, ये दैट इज VVA पॉइंट। अब इसमें पहले कुछ एरो हम लोग लिख लेंगे जितना बात है, फिर हम लोग समझेंगे। तो चलिए फर्स्ट एरो देकर लिखेंगे, लिखा जाए ऑस्टेड ने यह पता लगाया कि, ऐसे लिखेंगे फर्स्ट में, ऑस्टेड ने यह पता लगाया कि जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तब चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। फिर नेक्स्ट लिखेंगे, जब किसी तार में प्रवाहित धारा उसके पास चुंबकीय सुई को रखने पर विक्षेपित होकर लंबवत हो जाता है। नेक्स्ट एरो देंगे, लिखेंगे उसी तार में यदि धारा प्रवाहित करने की दिशा बदल दिया जाए तो चुंबकीय सुई के विक्षेप की दिशा बदल जाती है। चलिए अब हम लोग आगे बात सीखते हैं कि ऑस्टेड ने कैसे प्रयोग किया था, इसको समझते हैं। बहुत अच्छा से समझिएगा, क्योंकि अगर आप समझ जाएंगे तो फिगर ऑलरेडी उसके नीचे का जो बात है आप खुद उसके में लिख सकते हैं कि कैसे क्या है। सबसे पहले ऑस्टेड ने एक प्रयोग कर रहा था, तो आपको क्या क्या लेना है। ऑस्टेड ने सर्वप्रथम जब 1820 में उनकी पुष्टि हुई विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, तो उन्होंने कैसे कैसे इन चीजों को खोजा। तो सबसे पहले जो आपको लेना है वो एक वायर लेना है, तार लेना है, फिर अस्ट्रेंड लेना है, अस्ट्रेंड बताते हैं क्या है, फिर है चुंबकीय सुई,
ये मेन चीज लेना है। इसके अलावा आपको करेंट धारा प्रवाहित करने के लिए बैटरी वगैरह का भी वैल्यू आपको चाहिए। तो चलिए अब रहा बात कि सबका, तार का मतलब तो समझ रहे हैं कोई भी वायर, और स्टैंड का मतलब खड़ा करने वाला स्टैंड, और चुंबकीय सुई आपको पता होना चाहिए। भले ही एक वायर में जब हम लोग करंट देते हैं तो भले ही हम लोग इसका अनुमान न हो सके कि उसमें चुंबकीय गुण आता भी है कि नहीं, लेकिन एक ऐसा सुई जिसका नाम है चुंबकीय सुई, प्यारे छात्रों, एक ऐसा सुई है जिस किसी भी पदार्थ में चुंबकीय गुण अगर थोड़ा सा भी ना मात्र भी हो तो ये हमें बता देता है कि यहाँ पे चुंबकीय गुण मौजूद है कि नहीं है। अब इसका टेक्निक है, जैसे मान लिया कि चुंबकीय सुई ये है, हालांकि बहुत छोटा बहुत पतला होता है, इतना बड़ा लगभग, तो ये बहुत पतला होता है बहुत छोटा होता है। तो मान लिया जाए कि ये चुंबकीय सुई है, अगर मेरा ये जो मेरा ये हाथ है एक वायर है, तार है जिसमें हम लोग करंट दे रहे हैं और चेक करना है कि ये चुंबकीय गुण इसमें पाया जा रहा है कि नहीं, तो इसके लिए ये जो सुई है इसको पास ले जाते हैं। पास ले जाएंगे और देखेंगे कि अगर जस का तस है, यानी कि इसमें कोई विक्षेप नहीं हो रहा है, घूम उम नहीं रहा है किधर भी, तब हम बोलेंगे कि इसमें चुंबकीय गुण नहीं है। यानी कि ये बोर्ड है और हमको चेक करना है कि क्या बोर्ड में चुंबकीय गुण है, तो चुंबकीय सुई को आसपास टिकाएंगे और टिकाने के बाद अगर इसमें विक्षेप आता है तब हम बोलेंगे कि चुंबकीय गुण है। अगर हम लोग ले जा रहे हैं और इसमें कोई विक्षेप नहीं देखने को मिल रहा है, मतलब स्थिर, तब हम बोलेंगे कि चुंबकीय गुण नहीं है। तो जो ऑस्टर्ड ने प्रयोग किया था, क्या क्या लिया, तार, स्टैंड और चुंबकीय सुई। चुंबकीय सुई का मतलब समझ गए कि यह एक ऐसा पतला छोटा सुई है जो थोड़ा से थोड़ा चुंबकीय गुण को पता लगा सकता है कि यहां पे है या नहीं है। तो सबसे पहले इसका नीचे फिगर भी बनाना होगा आप लोगों को, तो पहले समझ लीजिए, एक स्टैंड लिया गया, यह एक स्टैंड है, यह एक स्टैंड है, यहां पे टिकाया गया, मतलब यहां पे स्क्रू के द्वारा टिकाया गया, यहां स्टैंड है रखा गया है। अब इसके जो, इसको सीधा बनाते हैं, ये स्टैंड है और स्टैंड के किनारे पे दो छड़ लिया गया, कैसा छड़ भाई, तो प्लास्टिक का छड़, ताकि इधर करंट नहीं आए, और इस प्लास्टिक के छड़ से तार को बांधा गया। ये क्या है, तो तार है, ये तार है, ये तार है। अब उसके नीचे, उसके नीचे एक आप समझ पा रहे होंगे कि ये जो तार है उसके नीचे ये चुंबकीय सुई टिकाया गया है, यहां पे सटा नहीं हुआ है, एकदम बिल्कुल पास में रखा जाता है, इट मींस कि ऐसे, हाँ यहां पे ऐसे लगाया हुआ है, जैसे मान लिया कि ये कैट है, ये ऐसे ऐसे अपने अपने स्थान पर रोटेट हो सके, ये जो कैट है ये ऐसे ऐसे घूम सकता है, तो वहां पे ये फिट किया गया है। चलिए तो अब होता क्या है कि इतना करने के बाद अगर मान लिया चुंबकीय सुई का दो ध्रुव होता है, एक का नाम है नॉर्थ पोल, एक का नाम है साउथ पोल, ये क्या लिया गया भाई, तो ये चुंबकीय सुई है, चुंबकीय सुई, ये क्या है, तो स्टैंड है। और
ऑस्टर्ड ने अब प्रयोग करना शुरू किया। उन्होंने पहले क्या किया कि सबसे पहले इधर बैटरी जोड़ के करंट इधर से इधर पास कराना शुरू किया। जब इधर से इधर पास कराया तो ये जो सुई था ऐसे रखा हुआ उसके नीचे अब वो घूमकर लंबवत हो गया, यानी कि बिल्कुल 90 डिग्री। जैसे मान लिया कि एक वायर है, अब इसके नीचे एक सुई को टिकाया है, जैसे ही इधर से करंट पास हुआ तो वो डायरेक्टली 90 डिग्री पर हो गया, डायरेक्टली 90 डिग्री पर हो गया। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो जब इधर से डायरेक्शन दिया गया तो ये नॉर्थ पोल आगे और साउथ पोल पीछे चला जा रहा है, यानी कि ये कुल मिलाकर पहले का पोजीशन ये था तो अब जो है पोजीशन ऐसे हो गया बिल्कुल, यानी कि घूमकर ये नॉर्थ पोल अब यहां आ गया, साउथ पोल यहां आ गया। लेकिन अब एक और अंतर पड़ गया, ऑस्टर्ड ने तो ये पहला प्रयोग किया, दूसरा प्रयोग जब उन्होंने किया तो जब इधर से करंट, अच्छा दूसरा प्रयोग को समझने के पहले आप इस फिगर को नोट डाउन कर लीजिए। इसको हम बोल सकते हैं कि वो फर्स्ट प्रयोग किए, पहला प्रयोग का फिगर क्लियर हो गया। अब फर्स्ट प्रयोग का फिगर भी बनाना है ऊपर, और नीचे जो बनाएंगे वो सेकेंड प्रयोग। तो सेकेंड प्रयोग क्या किया, सबसे पहले ये तार उड़ तो सब लिया है उन्होंने, ये तार है और यहां पे जब भी रखना है तो उसके नीचे, किसके नीचे, तो वायर के नीचे ही रखना है सुई को, सुई रख दिया। लेकिन अब हुआ क्या कि जब पहला सिचुएशन में उन्होंने क्या किया, तो पहला सिचुएशन तो ये किया कि इधर से तार को तार में वायर करना शुरू, वायर में करंट देना शुरू किया। दूसरा प्रयोग जब उन्होंने किया तो इस बार इधर से करंट शुरू किया देना, तब ऑस्टर्ड को ये दिखा कि अब जो है ना चुंबकीय सुई में चुंबकीय गुण तो आ रहा है, तभी तो ये विच्छेद हो रहा है, परंतु ये नॉर्थ पोल इधर जा रहा था ना पहले, अब ये नॉर्थ पोल आगे आ जा रहा है, मतलब कि ये लंबवत तो हो रहा है, सुई लंबवत तो हो ही रहा है, बशर्ते नॉर्थ पोल इधर और साउथ पोल इधर चला जा रहा है। इसको हम बोलेंगे कि सेकेंड प्रयोग है ये, और भी तरह तरह का प्रयोग किया। तो कुल मिलाकर मेन ऑस्टर्ड ने दो प्रयोग किया, एक स्टैंड लिया और स्टैंड पे एक वायर को बांध दिया, और उस वायर में जब एक दिशा से अगर करंट को पास किया तो चुंबकीय सुई में विक्षेप पाया, और कैसा विक्षेप होता है तो बिल्कुल 90 डिग्री। अगर ये वायर के नीचे अगर ये हम लोग रखे हुए हैं चुंबकीय सुई, तो जब वायर में करंट पास होने लगा तो विक्षेप होकर यहां पर चला गया। लेकिन जब पहले से था, अगर हम दूसरे साइड, यानी कि जब धारा प्रवाहित करने की दिशा बदल दिया जाए, दूसरे छोर से अगर धारा को पास करने लगे, तो अब यही नॉर्थ पोल नीचे और साउथ वाला पोल ऊपर चला जाता है। कुल मिलाकर दोनों ही केस में हम लोगों को धारा प्रवाहित किया जा रहा है, दोनों ही केस में चुंबकीय क्षेत्र का गुण भी पाया जा रहा है, बशर्ते अंतर यही है कि दोनों लंबवत भी हो रहा है, बशर्ते नॉर्थ पोल और साउथ पोल बदल जा रहा है, राइट। तो ये तो मेन पर्पस हुआ। तो अगर कहीं भी सवाल अगर हमसे हमसे पूछा जाएगा कि ऑस्टर्ड ने कैसे प्रयोग किया, उनके द्वारा क्या बात पता चला, तो उन्होंने ऐसा ही प्रयोग किया था, तब उनको पता चला था कि अच्छा उन्होंने और क्या किया कि मान लिया कि करंट दिया, अब जब करंट दे रहे थे वो तो 90 डिग्री पे तो आ जा रहा था, परंतु जैसे ही करंट को उधर ऑफ कर दिए, यानी कि इधर स्विच ऑफ कर दिए, तो ऑटोमेटिक देखा गया कि सुई अपने स्थान पर वापस आ जा रहा है। तो इससे यही साबित होता है कि जब हम लोग किसी भी वायर में करंट तब जब तक देते रहते हैं, तब तक उसमें चुंबक का एक गुण पाया जाता है जिसका नाम है चुंबकीय गुण, राइट। तो इसको बोलेंगे सेकेंड प्रयोग। तो आप फर्स्ट प्रयोग वाला बनाएंगे, हालांकि दोनों फिगर में अंतर है, फर्स्ट प्रयोग में इधर से करंट दिए थे, नॉर्थ पोल ऊपर चला गया था, हालांकि 90 डिग्री होता है, सेकेंड प्रयोग में जब इधर से करंट देंगे तो नीचे क्यों चला जाएगा, नॉर्थ पोल नीचे आ जाएगा। चलिए अब दोनों फिगर के बाद फिर से नीचे एरो देंगे, लिखेंगे, लिखा जाए ऑस्टर्ड के प्रयोग से यह स्पष्ट है कि
यह स्पष्ट है कि चुंबकीय सुई के विक्षेप की दिशा, चुंबकीय सुई के विक्षेप की दिशा धारा की दिशा पर तो निर्भर करती ही है, धारा की दिशा पर निर्भर करती ही है, इसके साथ साथ इस बात पर भी निर्भर करती है कि, इसके साथ साथ इस बात पर भी निर्भर करती है कि धारावाही तार चुंबकीय सुई के ऊपर है या नीचे है, चुंबकीय सुई धारावाही तार के ऊपर है या नीचे है। तो बहुत बढ़िया, यानी कि टोटल जो डिपेंड करता है प्यारे छात्रों, वो अभी हम लोग दो ही प्रयोग देखे ना, एक्चुअली ऑस्टेड ने चार प्रयोग किया था। अब कैसे कैसे जरा हम समझते हैं। तो दो प्रयोग तो समझ गए, यानी कि जब धारा की दिशा को बदलेंगे तो चुंबकीय सुई के विक्षेप में भी के दिशा में भी परिवर्तन आ जाएगा, यानी कि चुंबकीय सुई के बदलने की दिशा में भी चेंज आ जाएगा। लेकिन एक उन्होंने और दो तो हम लोग पढ़ लिए सीख लिए कि जब हम लोग धारा की दिशा बदलेंगे, करंट बदलेंगे, तो उसको मुड़ने की जो दिशा होगी, विक्षेप की दिशा, वो चेंज आ जाएगी। लेकिन अब दो और फिगर हम लोग देखते हैं। जैसे मान लिया कि ये सुई है, चुंबकीय सुई का ये सेंटर है। अब ये सेंटर है और ऊपर से वायर है, ये देखिए ये क्या है, तो चुंबकीय सुई, पूरा आप लिखिएगा चुंबकीय सुई के ऊपर धारावाही तार अगर ऊपर रहेगा और नॉर्थ पोल और साउथ पोल यहां रहेगा, तो ये नॉर्थ पोल आगे की ओर मुड़ेगा और साउथ पोल इधर की ओर मुड़ेगा। यानी कि टोटल चार बात पे निर्भर किया कि अगर मान लिया कि सुई को ऊपर रखिएगा और नीचे रखिएगा, तो सबसे पहला दो प्रयोग तो उन्होंने किया कि धारा की दिशा को बदला, एक बार इधर से एक बार इधर से दिया, दो बार। अब चुंबकीय सुई को एक बार उन्होंने नीचे रखा और एक बार उन्होंने ऊपर रखा, तो इस तरह से टोटल चार केस, यानी कि चार बात पर निर्भर करता है ऑस्टर्न का प्रयोग। तो पहला तो ये हो गया कि चुंबकीय सुई के जब ऊपर तार रहेगा तब इस तरह मुड़ेगा। अगर मान लिया कि ये चुंबकीय सुई है और उसके नीचे अगर तार है, ये देख पा रहे हैं चुंबकीय सुई, ये धारावाही तार है, ये तार नीचे है और अब की बार सुई जो है ऊपर है, यानी कि चुंबकीय सुई के नीचे धारावाही तार। अगर चुंबकीय सुई के नीचे अगर तार रहेगा तो नॉर्थ पोल नीचे की ओर आ रहा था, अब ये नॉर्थ पोल ऊपर की ओर जाएगा और साउथ पोल नीचे की ओर आएगा। देख रहे हैं कि अगर तार के नीचे और ऊपर करने पर चुंबकीय सुई को अगर नीचे फिट करेंगे या ऊपर फिट करेंगे तो दोनों में विक्षेप होने की जो दिशा होती है वो बदल जाती है। तो टोटल मिलाकर हम लोग को बात यही समझ में आया कि ऑस्टर्ड ने टोटली चार तरह का प्रयोग किया, एक बार करंट के दिशा को बदलकर, दूसरी बात चुंबकीय सुई को फिट करके, एक बार ऊपर फिट किया एक बार नीचे फिट किया। तो ये दोनों फिगर को भी उसके नीचे बना लेना है। तो टोटल मिलाकर आज हम लोग देखे ऑस्टर्ड का प्रयोग, यानी कि ऑस्टर्ड के प्रयोग द्वारा हम लोग को ये पता चला कि धारावाही विद्युत तार में चुंबकीय प्रभाव होता है, चुंबकीय गुण मौजूद होते हैं। तो अब मिलते हैं अगले वीडियोज में, आगे की पढ़ाई करेंगे। धन्यवाद।